हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैंने मंगा रखा है फ्लिपकार्ट से एक्सेलरेट वे प्रोटीन का चॉकलेट फ्लेवर। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ अभी आपके सामने, ठीक है। तो ये रहा पार्सल, इसको फटक से करते हैं अनबॉक्स। तो इस तरीके से आपको पैकेट मिल जाता है। यहाँ पे स्कूप मुझे फील हो रहा है टाइट है काफ़ी, ठीक है। और इस पे सब कुछ लिखा हुआ, इसकी फ़ोटो मैं आपको लगा दूंगा स्क्रीन पे। चॉकलेट फ्लेवर है, 24 ग्राम्स का इन्होंने दावा कर रखा है और यहाँ पे पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको फटाक से मैं खोल लेता हूँ और खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं सीजर लेके नहीं बैठा हूँ वरना ईजली कट जाता, नॉट एन इशू। ओके, तो ये रहा आपका प्रोटीन, वे प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे पानी का गिलास है, शेकर है और इसका स्कूप में मिल गया मुझे, ऊपर ही है। ये रहा इसका स्कूप, ये रहा, ठीक है। अब इस स्कूप को इसमें से पहले तो पाउडर पूरा जम चुका है, ये निकालता हूँ, ठीक है। और बड़े ही सावधानी से मैं बिना नीचे गिराए, क्योंकि अगर ये नीचे गिर गया तो उतना हमारा वेस्टेज हो जाएगा। मैं इसको इस शेकर में डाल देता हूँ। ये शेकर बहुत ही, और इसका एक्चुअली जो ऊपर का माउथ है ना वो बहुत ही नैरो है। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 स्कूप डाल दिया हूँ और अब इसके अंदर पानी भी मिक्स कर देता हूँ। पानी लगभग 200 ml था और अब इस शेकर को हम मिक्स कर देते हैं। इससे विल काउंट टिल 10 सेकेंड्स मैक्सिमम, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, दैट्स इट। अभी हम इसको पोर कर लेते हैं। अभी भी लम्स है, आप देख सकते हो। मैं फिर से एक बार और 10 सेकेंड्स के लिए पोर करके इसको शेक कर देता हूँ। वैसे मुझे पता नहीं अजीब लगा कि 10 सेकेंड्स के बाद भी इसके अंदर लम्स आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आई होप मैंने जो काउंटिंग किया है वो टेन सेकेंड से कम ना हो। ओके, अभी भी हल्के फुल्के लम्स है, पता नहीं क्यों है इस तरीके से। अब इसका जरा टेस्ट हम चेक कर लेते हैं, टेस्ट कैसा है। तो अभी इसका टेस्ट चेकिंग, कुछ ज़्यादा ही मीठा है, बहुत मीठा। मतलब मुझे नहीं लगता कि जो एकदम एक्सट्रीम फिटनेस फिटिक जो लोग होते हैं उन्हें ये कंज्यूम करना चाहिए। इट्स वेरी 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 स्वीट। ठीक है, टेस्ट चॉकलेट फ्लेवर है, पता नहीं था चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा मीठा कर दिया, पर ओके है, ठीक है। मुझे तो काफ़ी मीठा लग रहा है ये, ओके। देख सकते हो काफ़ी ब्राउनिश कलर का है, काफ़ी थिक है, ठीक है।
अब बढ़ते हैं हम लोग इसके जो ऑथेंटिसिटी क्या है इसको स्कैन करते हैं, क्योंकि स्कैन करने से पता चलेगा हमें कि ये एक्चुअल में ऑथेंटिक है या नहीं। सो दिस वॉज द रिव्यू फॉर द एक्सलेट का वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर। ओके, इसको स्कैन कर लेगा। ओके, स्कैनिंग के बाद इसने हमें लिंक दे दिया है, इस लिंक पे हम लोग जाएंगे। ओपन क्रोम, अब देखते हैं क्या जवाब आता है। वेरीफाइंग दी चेक, तो इस तरीके से आपका ये कोड वेरीफाई हो जाएगा। मुझे बोला है मुझे अपना नंबर डालना है, तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ इसमें। गो, क्यों नहीं हो रहा भाई? गो, तो अभी OTP आएगा। OTP आ गया है, बहुत जल्दी आ गया है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया एक्सलेट वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर 2 pounds MRP इतना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑथेंटिक प्रोडक्ट। सो दिस वॉज द रिव्यू फॉर द एक्सलेट का वे प्रोटीन चॉकलेट फ्लेवर। ओके, इतना कुछ खास नहीं है, मतलब आप मैंने एक पूरा महीना लेके देखा था अनफ्लेवर वाला, और कुछ इतना कुछ खास इफेक्ट मुझ पर आया नहीं। ओके, और चॉकलेट का भी मैंने मंगा लिया क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था फ्लिपकार्ट पे, तो आई हैव जस्ट परचेज्ड इट। लेकिन ये इतना मीठा है, मेरे ख्याल से इट्स नॉट वर्थी। मसल ब्रेजर का मैंने मंगवाया था चॉकलेट फ्लेवर सबसे पहले बिगनर्स वाला, वो दैट वाज मच बेटर। सो आई विल रिकमेंड यू गो फॉर द मसल ब्रेजर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लोकल ब्रांड्स जो कभी जिनका कोई अता पता भी नहीं रहता है। ओके, okay?